नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। आपने टार्जन बॉय की तो कई कहानियां सुनी होंगी। बचपन से लेकर अब तक हम टार्जन बॉय की कई फिल्में और कार्टून देखते आ रहे हैं, जिसमें एक बच्चा जिसका पालन पोषण किस तरह से जंगलों में जानवरों के बीच होता है और वहाँ जंगली जानवर उसके दोस्त होते हैं। पेड़ों और पहाड़ों पर वो कैसे उछल कूद करता नजर आता है। इंसानी शरीर में भी उसके पास एक अद्भुत सी ताकत होती है। अगर हम आपको बताएं कि बिहार में भी कुछ ऐसा ही किस्सा सामने आया है तो आप क्या कहेंगे? शायद कई लोग इस पर यकीन ना करें, लेकिन ये किस्सा एकदम सही है। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा गांव के राजा यादव को आजकल लोग बिहारी टार्जन के नाम से पुकार रहे हैं। उनकी असाधारण फिटनेस और तेज दौड़ने की क्षमता ने उन्हें ना केवल बिहार बल्कि पूरे देश में सुर्खियों में ला दिया है। वे सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सक्रिय हैं, जहां उनके वीडियो वायरल होते रहते हैं। कई ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं जिसमें राजा तेज रफ्तार से दौड़ते हुए थार और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों से मुकाबला करते हुए नजर आ रहे थे। इस बिहारी टार्जन की ट्रेनिंग और फिटनेस की कहानियां ना केवल प्रेरणादायक है बल्कि ये दिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। राजा यादव के मुताबिक वे 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। यहाँ तक कि ये बिहारी टार्जन रोजाना 20 से 25 किलोमीटर तक दौड़ने का अभ्यास भी करते हैं। ये क्षमता किसी भी आम व्यक्ति के लिए असंभव सा लगता है, लेकिन राजा ने अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन से इसे संभव कर दिखाया है। उनके फिटनेस और स्पीड के कारण ही वे बिहारी टार्जन और बिहार का उसैन बोल्ट जैसे कई नाम मिले हैं। राजा के मुताबिक उनकी दौड़ने की ये गति और ताकत पूरी तरह से उनकी नियमित ट्रेनिंग पर आधारित है। राजा यादव का एक सपना है कि वे अपने पिता लाल बाबू पहलवान के अधूरे सपने को पूरा करें। उनके पिता खुद एक नेशनल लेवल के खिलाड़ी थे और गोल्ड मेडल जीतने का ख्वाब रखते थे। हालांकि उनकी परिस्थितियां उन्हें इस सपने को पूरा करने का मौका नहीं दे पाई, लेकिन राजा यादव ने ठान लिया है कि वो अपने पिता का सपना पूरा करेंगे। राजा का कहना है कि उन्हें सरकार से समर्थन की ज़रूरत है ताकि वे अपनी ट्रेनिंग को और बेहतर बना सकें और देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने में सफल हो पाए। राजा यादव की ट्रेनिंग का तरीका बहुत अलग और कठिन है। वे अक्सर जंगलों और कच्ची सड़कों पर दौड़ने और मेहनत करने में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि बिना किसी आधुनिक सुविधाओं के केवल कठिन मेहनत से ही फिटनेस में सुधार किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर उनके फिटनेस वीडियो लाखों लोगों के बीच वायरल होते हैं और उनके फॉलोअर्स उनकी ट्रेनिंग और शक्ति से प्रेरित होते हैं। राजा का इंस्टाग्राम अकाउंट राजा यादव फिटनेस पर 1 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स भी हैं, जहां वे अपनी मेहनत और कड़ी ट्रेनिंग की झलकियां शेयर करते रहते हैं। राजा यादव की ट्रेनिंग में कुछ खास बातें हैं। वे रोजाना 3000 पुशअप्स करते हैं और 4 घंटे तक लगातार दौड़ते हैं। उनकी दिनचर्या में नियमित दौड़, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मसल्स को मजबूत करने के लिए अन्य अभ्यास शामिल होते हैं। उन्होंने आर्मी भर्ती में भी 11 बार दौड़ में एक्सेलेंट दर्जा प्राप्त किया है। उनके लिए नियमित ट्रेनिंग का कोई विकल्प नहीं है। यही वजह है कि उनकी स्पीड और ताकत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। राजा यादव का एक और सीक्रेट उनकी डाइट है। वो नियमित रूप से भैंस का कच्चा दूध पीते हैं, जिससे वे अपनी शक्ति का मुख्य स्रोत मानते हैं। उनका कहना है कि कच्चा दूध शरीर को ताकत और ऊर्जा प्रदान करता है, जो उनकी ट्रेनिंग को और भी प्रभावी बनाता है। राजा यादव सिर्फ एक धावक ही नहीं बल्कि कुश्ती में भी एक सक्रिय खिलाड़ी हैं। वे अपने फिटनेस और स्टैमिना को बनाए रखने के लिए कुश्ती का अभ्यास करते हैं। स्थानीय स्तर पर उन्होंने कई कुश्ती प्रतियोगिताओं में जीत दर्ज की है। उनका मानना है कि फिटनेस और आत्मविश्वास ही उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। उनका कहना है कि कुश्ती से शारीरिक ताकत और मानसिक दृढ़ता दोनों में ही सुधार होता है, जो उनके दौड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप इस बिहारी टार्जन पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।